हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज है 23 है। मेरे डेट भी नहीं पता चल रहा है। और मित्र ने यहाँ का पानी की वजह से मेरा फेस वगैरह हर चीज़ मतलब काला काला लग रहा है, पानी नहीं सूट कर रहा है। आप लोग को भी दिख रहा होगा, देख सकते हैं। तो आज मेरा ट्रेन है रात को 10:30 बजे और हम लोग निकल जाएंगे। अब ये सुबह का टाइम हो गया है, खाना भी बन रहा है, नाश्ता वास्ता हो गया है, अब खाना बन रहा है। पीछे हम बैठे हैं, चोखा बन रहा है। बहुत बार देखे होंगे आप लोग चोखा वगैरह हम लोग की ब्लॉग में, जाते जाते चोखा खा कर जा रहे, कहीं धोखा ना हो जाए। और इधर दीदी देखिए छील रही हैं, भूजा गया चोखा, ये आग लगा था क्या बोलते हैं पूरी वाला, उसमें भूजा गया है। और दाल वगैरह गैस पे बन रहा है। आप लोग गांव में रहते हैं, यही मज़ा आता है खाने पीने में। अभी तो वातावरण ऐसी तो रानी कभी मायके में है, देखो कब आती है। और दिल्ली उनका पता नहीं कब आना जाना है, कोई भरोसा नहीं। तो गाइस चलिए बने रहिएगा आप लोग हमारे साथ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। देख सकते हैं इस मतलब बैगन के अंदर लहसुन भी डालकर और मिर्चा भी डालकर, देखिए लहसुन भी दिख रहा है, इसमें डालकर भूजा गया है। अभी टमाटर और एक बैगन नहीं हुआ है और ऐसे पानी के अंदर छिला जाता है, छिलका छोड़ देता है। और बैगन का चोखा के साथ ना, अभी मत मिलाओ हैं, नहीं लहसुन एक तरफ है ना सब। अच्छा, कैसे पता चलेगा? वो पता नहीं नहाए गए हैं कि कहाँ गाँव ही, दो चार लोग के दोस्त बीच बैठे हैं। तो गाइस ऐसे भरता बनता है, चोखा भी बोलते हैं, भरता भी बोलते हैं। तो बन जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। तो सो गाइस आज बन गया है खाना, बन गया है। बस थोड़ा सा लिट्टी दाल फ्राई मैंने बनाया, देख सकते हैं। और मुझे ना दाल फ्राई ज़्यादा अच्छा लगता है, यहाँ मैंने दाल फ्राई बना लिया है। यार कैसे इसका ढक्कनवा है, तिक्खा होता जा रहा है, देख रहे हैं। और इधर मम्मी ने चटनी धनिया पीसा था, दिख रहा होगा। और इधर राइस डाल दिए हैं, राइस भी बन जाएगा, सब लोग गर्मा गर्म खाना खा लेंगे। और ये गांव का दही ना लाल लाल दिखता है, और ये रहा चूखा, ये सब कुछ बन गया है। अब लिट्टी बनेगा गर्म गर्म, चलो ये खाते हैं। राइस बने रही ब्लॉक के अंदर। तो सो गाइस सब कुछ खाना बन गया है, अब मैं सबके लिए निकालने जा रही हूँ। लिट्टी तो बाहर रखा हुआ है, यहाँ मैं निकाली थी, थाली लगा दी है, सब गरम गरम खा लेंगे और जल्दी से फ्री हो जाएंगे सब लोग। तो चलिए खाना सबको खिलाने का मिलते हैं। A few moments later. तो सो गाइस दोपहर में खाना पीना खाकर हम सो गए थे और शाम का टाइम है और मेरा रात को टिकट है। मैं बार बार बता रही हूँ लेकिन क्या करें, कुछ हमसे नए जुड़े रहते हैं, जो जिनको नहीं पता रहता उनको हर बात का अपडेट मिलता रहता है। तो सो कर उठ गए, किचन में आ गए हैं और इधर देख सकते हैं सूजी दही से फेंट कर दोपहर में रखी थी दीदी, 4-5 घंटे तक फूल गया है। इसको इडली के ढांचे में डालकर बना रही हूँ, एक लास्ट खान था इसलिए इसके ऊपर नहीं, इसके अंदर वाले में है। और इधर मैंने चाय रख दिया है और इसको ये कड़ी पत्ता और सुधाई सरसों और मैगी मसाला से इसको तड़का लगाएंगी। नाश्ता टाइम हो रहा है, फिर थोड़ा सा लंच डिनर बनेगा जो हम लोग ट्रेन में खाने के लिए। तो हम लोग का 10:30 बजे का ट्रेन है, तो हम लोग घर से ही खाना खा कर जाएंगे। तो ये 4 बज रहा है और इसकी वजह से पहले नाश्ता। और आज हम भी जा रहे हैं ससुरारी किट्टो के पास, जाएंगे बनारस घूमेंगे, फिर कल बनारस घूमेंगे, फिर किट्टो देखो कब आती हैं ससुराल, फिर दिल्ली कब आती हैं। हम लोग को जल्दी इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि सोनाक्षी के स्कूल के और इस सब का भी जरूरी है ज़्यादा, और इतना दिन हो गया है तो वहाँ भी तो देखना है, क्योंकि वहाँ भी तो सब कुछ काम धाम वहाँ भी है। तो हम लोग अब चलते हैं नाश्ता। तो गाइस चाय नाश्ता हो गया है और ये शाम का टाइम है, हम लोग निकलने वाले हैं, तैयार हो गए हैं। और मम्मी के लिए, पापा के लिए, सानिया के लिए दमालू दीदी बना रखी हैं, देखिए दमालू है और आधे भूत के रखे हैं, इसका कचौड़ी बनाएंगे और हम लोग बाहर ही खा लेंगे। और तैयार हो गए हैं, बच्चे भी तैयार हो गए हैं और इसके चाचा निकल गए हैं, ऋषभ इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, पूछिए जी।
और दिखाते हैं हम आपको सानिया। चलो कि स्टेशन तुम भी चलो, ये नहीं जाएगी अभी, सब शांत है अभी, मोबाइल चला रहा है बहुत, इसको हमने मनाया सनाया तो जाकर शांत है। और सुराची भी तैयार हो गई है, जाओ इसको चार्जर बैग में झोला में डाल दो आराम से, चार्ज वार्जर थोड़ा सा। और यहाँ पर इतने तेज़ी से मेरा बाल झड़ रहे थे, इतने तेज़ी से कि पूछो जिन। और बैग वगैरह भी तैयार हो गया है, नीचे ऊपर से नीचे लेकर आए हैं, बाहर रखे हैं, घर एकदम शांति शांति हो जाएगा, बिल्कुल शांति हो जाएगी ना रिश्ता। मैं दिखाती हूँ, देखिए दो बैग लेकर आए थे, एक बैग ये रहा और एक वो उसमें है, एक ही हफ्ते के लिए आए थे। हाँ। क्यों चल रहे हैं ना तुम? हाँ, और फिर कंबल वगैरह है, सामान वगैरह कुछ भी सब कुछ। तो हम तैयार हो गए हैं अच्छी तरह और सारा सामान रेडी हो गया है, और मैं हॉल में बैठी हूँ जहाँ टीवी लगा है, देख सकते हैं सोफा वाले रूम में। तो जेठ जी आज इलाहाबाद गए हैं और जेठानी जी दुकान देख रही हैं, क्योंकि भैया इलाहाबाद चले गए हैं, पतिदेव गाड़ी चलाकर लेकर जाएंगे और उधर से जेठ जी लेकर आएंगे। तो दुकान देखने के लिए जेठानी जी और उनके बच्चे बाहर ही देख रहे हैं, वो भी चलेंगी हमारे साथ छोड़ने, और दुकान बंद करके आएंगी फिर हम लोग निकल जाएंगे। और बहुत याद आएगा यहाँ का, यहाँ कब टाइम पास हो जाता है, कब दिन हो जाता है, कब रात हो जाता है, पता नहीं चलता है। वहाँ तो इतना टाइम मिलता है कि ढेर सारा टाइम ही टाइम ही रहता है, अंदर से तो दुखी होता है कोई भी घर छोड़ो अपना, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ता है। और ऋषभ का तो वैसे बहुत रो रहा था, अमित जी चले गए हैं मतलब मेरे मायके किट्टो के लेने, वैसे हम लोग साथ में जाते लेकिन किट्टो मायके रुक गए थे, इसलिए हम साथ में नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि हमको जल्दी जाना पड़ रहा है वहाँ पर बच्चों का एडमिशन वगैरह लेकर। कितनी बार मैं बता रही हूँ बार बार यही बात, अभी जेठानी जी आएंगी वो भी तैयार होंगी, मैं आपको दिखाऊंगी, ब्लॉग बने रहिएगा हमारे साथ, वो भी चलने छोड़ने। दुकान में सब बैठे हुए वो देख रही हैं दुकान अपनी, पापा जी से पूछा कर रहे हैं। सोनाची पापा कहाँ गए? क्या अरे वो चिप्स खरीदे ना, जाओ रखे रहो। और सानिया दुकान में बैठी है, दीदी बैठी है, बैठी है जी, सुनाची बैठ गई, अभी लोग आएंगे अंदर, दीदी भी तैयार हैं, बस कपड़ा चेंज करेंगे, पानी निकल जाएगी, आओ अंदर पी लो। तो गाइस आज का वीडियो हमारा यही तक था, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है तो अब नेक्स्ट ब्लॉग आएगा हम लोग का, यहाँ से विदाई जब होगा सब कुछ उस ब्लॉग में आएगा, आप लोग उस वीडियो तक मुझे प्यार दीजिएगा, ससुराल से और दिल्ली तक वीडियो रहेगा वो। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।